नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस वीडियो में, जिसमें आज हम पढ़ेंगे भोजन के घटक। भोजन के क्या क्या वह महत्वपूर्ण घटक हैं जिसकी वजह से हम भोजन करते हैं, वे हमारी किन किन जरूरतों की पूर्ति करते हैं, आइए देखते हैं। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं कि हम आज क्या क्या पढ़ेंगे। सबसे पहले पाचन पढ़ेंगे, फिर हम पोषक तत्वों पर चर्चा करेंगे जो कि भोजन के घटक कहलाते हैं और वह हमारा मुख्य उद्देश्य है। फिर हम पढ़ेंगे विभिन्न प्रकार के पोषक तत्व, जैसे कि प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन आदि। फिर हम जानेंगे संतुलित आहार के बारे में। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। सबसे पहले पाचन। पाचन वह क्रिया है जिसमें भोजन को छोटे छोटे घटकों में विभाजित कर दिया जाता है। यह कार्य हमारी पाचन क्रिया करती है। हमारा पाचन तंत्र भोजन के वह सभी महत्वपूर्ण घटक सोख लेता है जिनकी हमें जरूरत होती है। चलिए बढ़ते हैं हमारे मुख्य उद्देश्य की तरफ, पोषक तत्व। हम जो भी खाद्य पदार्थ खाते हैं उनमें हमारे शरीर के लिए कुछ आवश्यक घटक होते हैं। इन आवश्यक घटकों को हम पोषक तत्व कहते हैं। ये पोषक तत्व हमारे शरीर के लिए ईंधन का कार्य करते हैं। हम अपने दैनिक जीवन में जो भी कार्य करते हैं या जो भी गतिविधि करते हैं, उसके लिए ऊर्जा हमें इन्हीं से मिलती है तथा हमारे मानसिक व शारीरिक विकास के लिए हमें पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है। अब हम जानेंगे विभिन्न प्रकार के पोषक तत्व। यूं तो दोस्तों पोषक तत्व बहुत प्रकार के होते हैं, उनमें से हम कुछ महत्वपूर्ण पोषक तत्वों के बारे में चर्चा करेंगे। सबसे पहले प्रोटीन, फिर कार्बोहाइड्रेट, विटामिन, वसा, खनिज लवण आदि। जैसे कि आप देख सकते हैं, यहाँ कुछ प्रोटीन तथा कार्बोहाइड्रेट के स्रोत दर्शाए गए हैं। इन खाद्य पदार्थों में प्रोटीन व कार्बोहाइड्रेट मुख्यतः पाया जाता है। फिर हम प्रोटीन की बात करेंगे। चलिए प्रोटीन की आवश्यकता शरीर की वृद्धि और स्वस्थ रहने के लिए पड़ती है। त्वचा, मांसपेशियों, दिमाग आदि में यह प्रचुर मात्रा में होता है। कोशिका के निर्माण का यह प्रमुख घटक है, क्योंकि आप दोस्तों आप जानते होंगे कोशिका हमारी प्राथमिक इकाई है। हम सभी जीव कोशिका से बने हुए हैं तथा कोशिका के निर्माण का प्रमुख घटक प्रोटीन है। इससे आप समझ सकते हैं प्रोटीन हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण है। प्रोटीन युक्त भोजन को प्रायः शक्तिवर्धक भोजन भी कहा जाता है तथा प्रोटीन के कुछ मुख्य स्रोत हैं दूध, मांस, दाल आदि। चलिए अब कार्बोहाइड्रेट के बारे में जानेंगे। कार्बोहाइड्रेट मुख्य रूप से हमें ऊर्जा प्रदान करते हैं। हमें दिनचर्या के काम करने के लिए ऊर्जा इन्हीं से प्रदान होती है। हमें ऊर्जा प्रदान करने का कार्य वसा भी करता है तथा हमें ऊर्जा प्रदान करने का कार्य दो पोषक तत्व करते हैं, कार्बोहाइड्रेट तथा वसा। और कार्बोहाइड्रेट के कुछ मुख्य स्रोत हैं चावल, गेहूं, आलू आदि। अब आइए हम बात करेंगे विटामिन की। विटामिन विभिन्न प्रकार के होते हैं, जैसे विटामिन ए, B1, विटामिन B2, विटामिन B6, विटामिन B12, विटामिन C, D आदि। विटामिन की एक इकाई को हम विटामिन बी कॉम्प्लेक्स के नाम से भी जानते हैं, जिनमें विटामिन B1, B2, B6 तथा B12 आते हैं। विटामिन की आवश्यकता हमारे शरीर में अल्प मात्रा में पड़ती है, परंतु यह कई क्रियाओं
तथा वृद्धि व विकास को नियंत्रण करते हैं। विटामिन रोगों से हमारे शरीर की रक्षा करते हैं। विटामिन भले ही हमें अल्प मात्रा में चाहिए होते हैं, परंतु यह हमारे लिए आवश्यक होते हैं। तो हमने कुछ पोषक तत्वों के बारे में जाना, उनके महत्व की आकांक्षा की। अब चलिए हम पढ़ते हैं संतुलित आहार के बारे में। हम जो दिनचर्या के दौरान खाते हैं उसे आहार कहते हैं। सुबह, दोपहर या शाम के वक्त अब जो भी भोजन करते हैं उसे हम आहार कहते हैं। तो हमारा आहार कैसा होना चाहिए, क्या क्या होना चाहिए हमारे आहार में, क्या नहीं होना चाहिए, आइए देखते हैं। तो हमारी वृद्धि व हमारे स्वास्थ्य के लिए सभी पोषक तत्व का होना जरूरी है, तभी हमारी वृद्धि सही तरीके से हो सकती है। और ये भी ध्यान हो कि पोषक तत्व ना ज्यादा कम हो ना ज्यादा हो, आवश्यकता अनुसार हो, तथा आहार में पर्याप्त मात्रा में जल का भी होना जरूरी है, तभी वह आहार संतुलित आहार कहलाएगा। आप इसमें दर्शाए गए चार्ट से देख सकते हैं कि हमें क्या और कितना खाना चाहिए। तो हमने आज क्या क्या पढ़ा, हमने सबसे पहले पाचन के बारे में जाना, फिर हमने जाना पोषक तत्व क्या होते हैं, फिर पोषक तत्वों का महत्व समझा, कुछ पोषक तत्वों के प्रकारों की चर्चा की, फिर हमने संतुलित आहार के बारे में जाना। तो दोस्तों धन्यवाद हमारा वीडियो देखने के लिए। अगर आपको इसी तरह जानकारी चाहिए तो हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।